दोस्तों बुखार कोई सा भी हो, जब वो आना शुरू हो जाता है तो शरीर के अंदर जो है परेशानी चालू हो जाती है, हड़कल हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। अलग अलग तरह के बुखार होते हैं, डेंगू बुखार होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, और इसके अलावा एक बुखार और निमोनिया होता है। दोस्तों हर एक के लक्षण अलग हैं, कारण अलग अलग हैं और टेस्ट भी अलग अलग किए जाते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, वो निमोनिया के बारे में बताने वाला हूँ। निमोनिया किस वजह से होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या कारण है और बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या हमारे अंदर चेंजिंग आती है। दोस्तों आखिर तक जुड़े रहिए और वीडियो को हमारी आखिर तक देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं हूं हकीम नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम नदीम। दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बुखार जो आता है निमोनिया, इसके आने की वजह क्या होती है, किस वजह से आता है। दोस्तों ये बुखार बच्चों के अंदर भी होता है, बड़ों के अंदर भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है ये बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर बड़ों के अंदर भी हो जाए तब भी कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इलाज जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही आसान रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जानकारी करते हैं कि इसके आने के कारण क्या होते हैं। तो जो हमारे लंग्स हैं, एक दाया लंग होता है, एक बाया लंग होता है, इसको फेफड़े बोलते हैं, यानी कि दाया फेफड़ा बाया फेफड़ा। तो जो दाया फेफड़ा होता है तो उसके अंदर जो है परत होती है, इसको झिल्ली कह दिया जाता है। फेफड़े की जो झिल्ली होती है, दाएं फेफड़े की जो परत होती है, इसके ऊपर वर्म आ जाता है, सूजन आ जाती है और सोजिश जिसे बोलते हैं, ये कंडीशन पैदा हो जाती है। तो उसके बाद जो है फिर ये निमोनिया बुखार चालू हो जाता है। अब बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं, तो दोस्तों इसके अंदर जो चेंजिंग आती है वो ये होती है कि जो मरीज होता है तो मरीज को जो है काफी ज्यादा सांस फूलने की शिकायत हो जाती है, सांस चढ़ने लगता है। तो सांस फूलने की जो रफ्तार हो जाती है, यानी एक मिनट के अंदर जो बड़ों के अंदर सांस अगर देखा जाए तो कम से कम 40 से 50 मरतबा फी मिनट बढ़ जाता है, और जो बच्चे होते हैं बच्चे के अंदर जो है 50 से 60 फी मिनट की बढ़ जाता है, रफ्तार तेज हो जाती है। और फेफड़ों के अंदर जो है जो पसलियाँ होती हैं, सीने के अंदर खड़खड़ाहट हो जाती है, जब आदमी सांस वगैरह लेता है तो ऐसा लगता है जैसे कफ वगैरह जमा हुआ है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। और दूसरी बात दोस्तों यह है कि जो दाएं लंग्स होता है, जब वहां पर झिल्ली पर वर्म आ जाता है तो उसकी वजह से जो है फिर जो दाई छाती होती है वहां पर दर्द की भी एहसास होता है, दर्द महसूस होता है, चुभन सी महसूस होती है, इस तरह की कंडीशन बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। अगर इसकी जांच कराई जाए, पता लगाया जाए कि किस तरीके से पता लगाया जाएगा, दोस्तों जब CBC कराते हैं तो उसके अंदर जो सफ़ेद सेल्स होती हैं, वाइट सेल्स जिसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं, तो इसकी जो मिकदार हो जाती जिसकी जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है। अब नॉर्मल मिकदार जो इसकी वो 40 से 70 होती है, अगर इससे ऊपर बढ़ जाए तो समझ लो उसको निमोनिया मौजूद है। तो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, बॉडी के अंदर चेंजिंग देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाएगा, क्या घरेलू उपाय है, किस तरीके से इसको हम दूर करेंगे। तो इसके अंदर आसान सा नुस्खा है, सिंपल सा नुस्खा है। इसके अंदर आप लौंग लेंगे, लौंग के 3 दाने, और इसके अलावा साथ में जो दालचीनी होती है इसके 2 टुकड़े लेंगे, छोटे छोटे 1-1 इंच के 2 टुकड़े, और साथ में इसके आप लेंगे 3 मुनक्का और आधे चम्मच से भी कम इसके अंदर आपको खूब का ले लेनी है। इनको 2 कप पानी, 2.5 कप पानी के अंदर इसको पकाना है, उबालना है, सही से जोशानदा जोश देना है इसको। और जब ये थोड़ा सा सूख जाए पानी इसका तो इसको ठंडा कर लें, साथ में इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं, और इसको सुबह में, दोपहर में, शाम में, तीनों टाइम आप इसको ले सकते हैं। ये निहार मुंह लिया जाएगा, यानी कि दिन में 2-3 मरतबा आप इसको लेंगे तो इससे आपका बुखार जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर बच्चों को आ रहा है तो बच्चों को भी आप ये नुस्खा दे सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट के अंदर आपको कंपनी की शरबत खाकसी के नाम से एक सीरप मिल जाएगा, आप चाहें तो ये लेकर के आपको दे सकते हैं। तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम खाली पेट आधा आधा चम्मच, बच्चे अगर ज़्यादा छोटे हैं तो उनको 1 टाइम या 2 टाइम आप उनको दे सकते हैं गुनगुने पानी में। तो इस तरीके से जो है इसका इलाज किया जाएगा और इस तरीके से इसके अंदर आप फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों आखिर बात आती है कि परहेज क्या करना होगा, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बुखार आता है ज़्यादा सर्द चीज़ें, रतुबत वाली चीज़ें, सर्द आबोहवा, ठंडा मौसम, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनके खाने से, इनके यूज़ करने से आता है। तो इसके अंदर आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, इसके अंदर दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, और ठंडा पानी वगैरह, ठंडे फल, ठंडा मशरूबात, इन सब चीज़ों से इसके अंदर आपको बचना है, तो ये आपका सही तरीके से इलाज किया जाएगा। ये हमारी आज की जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की जानकारी मैं लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।